हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए पेंशन के पीपीओ पाकर किस प्रकार खिले चेहरे। विधायक लोढ़ा ने विधवा एवं वृद्ध अवस्था पेंशन के पीपीओ वितरित किए। सिरोही शिवगंज विधायक संयम लोढ़ा ने शुक्रवार को नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष कक्ष में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा एवं वृद्ध अवस्था पेंशन के 17 लाभान्वितों को पीपीओ प्रदान किए। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष वजिंग राम घाची भी मौजूद थे। अधिशासी अधिकारी नील कमल सिंह राणावत ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन संबंधी जो प्रकरण प्राप्त हुए थे उनमें से 17 व्यक्तियों के पीपीओ पालिका को प्राप्त हुए हैं। इनमें 3 विधवा पेंशन, 10 वृद्धावस्था पेंशन, 1 विकलांग पेंशन तथा 1 विशेष योग्यजन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। इन सभी पात्र व्यक्तियों को नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष कक्ष में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में विधायक लोढ़ा ने सभी लाभान्वितों को पीपीओ प्रदान किए। इस मौके पर विधायक लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक समर्थ प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। विधायक ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभिन्न पेंशन योजनाओं में मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। विधायक ने पालिका अधिकारियों तथा पार्षदों को पालनहार योजना सहित अन्य योजनाओं के पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोरोना से मृत्यु होने पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 1 लाख रुपए की सहायता राशि पहले कोरोना जांच रिपोर्ट होने पर ही दी जाती थी, उनमें भी आवश्यक संशोधन करवाया गया है। अब जिसके केवल सिटी स्कैन रिपोर्ट है उसे भी इसमें शामिल करते हुए मृतक के आश्रित परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद हबीब शेख, प्रकाश मीना, कस्तूर घाची, जगवीर सिंह गोयल, राजेंद्र सिंह राठौड़, अल्पेश माली, सहवृत सदस्य राजेंद्र कुमार, समाज सेवी नरेंद्र जैन, बलवीर सिंह आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी की शिवगंज से मनोहर मीना की रिपोर्ट।